बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी पर बसा भारत का पड़ोसी देश। 30 वर्ष से कम समय पहले ही आजाद हुए इस देश में साक्षरता की दर 65% है। देश की इतनी विशाल निरक्षर जनसंख्या को साक्षर बनाने को प्रेरित करना, उनको साक्षर बनाना और फिर साक्षरता को बनाए रखना आसान काम नहीं। अपने सीमित संसाधनों, आर्थिक पिछड़ेपन और समय समय पर आने वाली प्राकृतिक आपदाओं वाले न स्वाधीन देशों में ये काम और भी मुश्किल होता है, लेकिन निर्धनता को दूर करके लोगों को आत्मनिर्भर बनाने और देश की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए साक्षरता का प्रसार करना मानो एक पूर्व शर्त है। आजादी के बाद पिछले लगभग 2 दशकों में किए गए प्रयासों तथा प्रयोगों से ये बात साफ उभर कर आई। शिक्षा को घर घर पहुंचाने के लिए गैर सरकारी संगठनों को भागीदार बनाना जरूरी है। कक्षाओं में लाने से पहले अभावग्रस्त लोगों को ये भरोसा दिलाना जरूरी है कि अक्षर ज्ञान से उनकी जिंदगी में बदलाव आएगा और उनकी आर्थिक हालत में भी सुधार होगा। इस नवोदित साधनहीन और निर्धन राष्ट्र पर लोगों के जीवन की मूल सुविधाएं मुहैया कराने का भारी बोझ आ पड़ा था। सरकार के पास न संसाधन थे, न पर्याप्त संख्या में कुल मानव बल। प्रशासनिक ढांचा चरमरा चुका था। इन हालात में हुई थी बांग्लादेश में स्वयं सेवी प्रयासों की शुरुआत। अपने देश को नए सिरे से बनाने का संकल्प देश के प्रतिबद्ध लोगों ने अपने हाथ में लिया। बांग्लादेश रूरल एडवांस कमेटी एक ऐसा ही स्वयंसेवी संगठन था। इसका गठन 1972 में एक संवेदनशील और प्रबुद्ध युवक फजले हसन आबिद ने किया। बाद में इसको ब्रैक के नाम से जाना जाने लगा। प्रारंभ में ब्रैक का उद्देश्य भारत से लौट रहे शरणार्थियों को राहत पहुंचाना और दोबारा जिंदगी शुरू करने में उनकी मदद करना था। After liberation in December 71, the people started coming back from India to Bangladesh. 1971 में स्वतंत्रता के बाद तो भारत से बांग्लादेश वापस आने लगे, लेकिन जो लोग आए उन्हें कुछ भी बाकी नहीं मिला। पूरे के पूरे गांव जला दिए गए थे, इसलिए हमने सहायता कार्य प्रारंभ किया। उन्हें हमने घर बनाने की सामग्री दी। कुछ दिनों के बाद हमें लगा कि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं आ रहा। लोग इन सामानों को दूसरे लोगों को बेचने लगे क्योंकि उन्हें भोजन की आवश्यकता थी। इसके बाद हमने कार्यक्रम की रूपरेखा में तब्दीली की। Destroyed by the Pakistani army. So we bring some bamboos. We also give them the bamboos to building houses. We gave them the CI sheet for the tin of the roof of the houses. But after December, we saw that the poor people remained as poor before. The condition was remained as they were in the camps. Nothing was improved. So we make an evaluation why this has happened, why you could not reach this poor, why you could not help them really. We wanted to help the poor, but we cannot. So we learn from this from our experience and from our mistakes we did in this. We thought that the people are, they need food. They need to eat something. So the bamboo and CIC do not give them food. So they sell it to persons who can afford to buy this. So it seems as where now is going to the richer people, those who can afford to combine all these things. The purpose of helping the poorest of the poor is not materialized. Then we thought we change our approach. ब्रैक ने नई योजना तैयार की। इसका लक्ष्य था गांव-गांव में फैली गरीबी की जड़ों पर चोट करना और महिलाओं को सबल बनाना। पिछले अनुभवों के आधार पर उसने अपने काम का विस्तार किया और उद्देश्यों को व्यापक बनाया। ब्रैक ने ये अच्छी तरह से समझ लिया था कि व्याप्त निरक्षरता का समाधान करने के लिए गरीबी पर प्रहार करना जरूरी है। इसके लिए ब्रैक ने गांव के गरीबों को छोटे छोटे कर्ज देने की रणनीति तैयार की। वास्तव में इन छोटे कर्जों की योजना सबसे पहले 80 के दशक में बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक संस्था ने तैयार की थी। उसी ने इस कार्यक्रम को लागू किया और इसके लिए धन की व्यवस्था की थी। बांग्लादेश के इस प्रयोग को दुनिया भर में मान्यता मिली।
विश्व बैंक के एक वरिष्ठ अर्थशास्त्री शाहिद खांडेकर ने गरीबी हटाने तथा आर्थिक प्रबंधन पर एक अध्ययन किया था। उसमें कहा गया, गरीबी कम करने के लिए एक उपकरण के रूप में छोटे कर्ज एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, लेकिन जो लोग कर्जों का इस्तेमाल करने का हुनर नहीं जानते, उनकी सहायता करने के लिए साक्षरता को प्रोत्साहन देने तथा प्रशिक्षण जैसे पूरक उपाय करना जरूरी है। सबसे गरीब लोग इन छोटे कर्जों का उपयोगी ढंग से इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनके लिए रोजगार योजनाओं जैसे अन्य कार्यक्रमों की आवश्यकता है। अपने अनुभवों के आधार पर ब्रैक ने गांव में सबसे गरीब लोगों को छोटे छोटे कर्ज दिए। अपने इस कार्यक्रम को ब्रैक ने साक्षरता, शिक्षा के प्रसार और रोजगार प्रशिक्षण के साथ जोड़ा। आज ब्रैक बांग्लादेश के सभी 64 जिलों में 460 उपजिलों के 56,513 गांव और शहरों की 4,187 मलिन बस्तियों में काम कर रहा है। इसके कार्यक्रम देश के लगभग 6,70,00,000 लोगों के जीवन में बदलाव लाने का काम लगातार कर रहे हैं। गांव के गरीबों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए ब्रैक ने ग्रामीण विकास कार्यक्रम तैयार किए और संस्थाओं के निर्माण का काम शुरू किया। अपनी रणनीति के तहत ब्रैक ने प्रयास किए कि उन संस्थाओं का नेतृत्व गांव की गरीब महिलाओं के बीच से ही विकसित हो। ग्राम संगठन या विलेज ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी संस्था है। ब्रैक अपने कार्यक्रम इन ग्राम संगठनों के माध्यम से चलाता है। देश भर में फैले इन 1,04,000 से ऊपर ग्राम संगठनों की कुल सदस्य संख्या 3,86,00,000 से अधिक है। इन सदस्यों में 80% महिलाएं हैं। ये महिलाएं गांव के सबसे गरीब परिवारों, भूमिहीन खेत मजदूरों और आधे एकड़ या उससे कम भूमि रखने वाले किसानों के घरों से आती हैं। दरअसल गांव संगठन में सदस्य उन्हीं परिवारों की महिलाओं को बनाया जाता है जिनको वर्ष में 100 दिन से अधिक मजदूरी नहीं मिलती। मानिकगंज जिले में ढाका राजमार्ग से थोड़ी दूर बसा बांग्लादेश का ये हरा भरा खूबसूरत सा गांव बिल्कुल किसी सुंदर तस्वीर जैसा। देखने में सहसा ये नहीं लगता कि ये कोई अभाव या गरीबी से जूझता गांव है, पर वास्तविकता यही है। इस गांव की भी गरीब महिलाओं को ब्रैक ने ग्राम संगठन में संगठित किया है। Telling me about the network of BRAC. How do you identify these women in these villages? Well, first we make a business survey. सबसे पहले हम बिजनेस सर्वे करते हैं, फिर इनमें से 30 लोगों का चयन करते हैं। इन लोगों का इस क्षेत्र का निवासी होना आवश्यक है, उन्हें साल में 100 दिनों से कम मजदूरी मिलती हो और आधा एकड़ से कम जमीन के मालिक हों एवं 18 से 54 वर्ष के बीच के हों। इन्हीं बातों का ध्यान चयन प्रक्रिया में रखा जाता है। फिर हम प्रत्येक चुने गए व्यक्ति से बातचीत करते हैं। इसकी समाप्ति पर यह प्रक्रिया समूह में दोहराई जाती है। अगर वो ब्रैक के कार्यक्रमों से सहमत होते हैं तो उन्हें एरिया मैनेजर के यहाँ ले जाया जाता है। Identifying the target people, we discuss in a individual way. So, after completion the individual discussion, we discuss in a small group, consist of 5 members. And if the small group agree with us, that means BRAC goals and objects, then we discuss in a large group. The same thing, the objects of BRAC's and goals and BRAC's activities, such and such things. So, finally, they are called to the... Yes. If they agree? If they agree, finally they are called to the area office of BRAC, and area manager of BRAC, he is the supreme authority and he declared as a village organization. ग्राम संगठन में इन सदस्यों के बीच से ही एक अध्यक्ष, एक सचिव और एक कोषाध्यक्ष का चुनाव होता है। प्रत्येक 4 सदस्य अपना एक नेता भी चुनते हैं। ग्राम संगठन के सदस्यों को अपनी बैठक में सामूहिक रूप से 18 शपथें लेनी पड़ती हैं। 1, हम भ्रष्ट और गैर कानूनी उपायों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 2, हम कड़ी मेहनत करेंगे
और अपने जीवन की परिस्थितियों में सुधार करेंगे। 3, हम अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे। 4, हम परिवार नियोजन करेंगे और छोटा परिवार रखेंगे। 5, हम अपने घरों और आसपास को साफ रखेंगे। हम हमेशा पीने योग्य पानी पिएंगे। 7, हम अपने भोजन को ढक कर रखेंगे और खाने से पहले अपने हाथ धोएंगे। 8, हम स्वच्छ शौचालय बनाएंगे और शौच के लिए हर जगह गंदी नहीं करेंगे। 9, हम अपनी जमीन में सब्जियां और पेड़ उगाएंगे। 10, हम हमेशा दूसरों की मदद करेंगे। 11, हम बहुविवाह और स्त्रियों पर हिंसा के विरुद्ध लड़ेंगे। 12, हम अपने ग्राम संगठनों के प्रति वफादार रहेंगे और उनके नियमों का पालन करेंगे। 13, हम किसी भी कागज पर समझे बगैर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। 14, हम सप्ताह में 2 बार और महीने में होने वाली मीटिंगों में बिना नागा भाग लेंगे। 15, हम ग्राम संगठनों के नियमों का पालन करेंगे। 16, हम सप्ताह में 2 बार अपनी बचत को नियमित रूप से जमा करेंगे। 17, हम अपने कर्जे समय से वापस करेंगे। 18, हम लड़कियों और लड़कों को समान अवसर देंगे। इस प्रकार से संगठित हुई महिलाओं के लिए ब्रैक 8 सप्ताह का एक ओरिएंटेशन कोर्स चलाता है। इस कोर्स का उद्देश्य सदस्य महिलाओं को संगठन की उन गतिविधियों की जानकारी देना है जिनसे जुड़कर वे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकती हैं। इस दौरान इन महिलाओं को साक्षर भी बनाया जाता है। दरअसल ब्रैक से सहायता प्राप्त करने के लिए साक्षर होना जरूरी है। सदस्यों को उनकी रुचियों अथवा उन आर्थिक गतिविधियों के अनुसार बांटा जाता है जिनकी ओर उनका रुझान है। ये गतिविधियाँ मुर्गी पालन, मछली पालन, पशु पालन, कृषि, मधुमक्खी पालन तथा छोटे मोटे कुटीर उद्योग या छोटे मोटे कारोबार इत्यादि हो सकते हैं। इसके बाद शुरू किए जाते हैं प्रशिक्षण कार्यक्रम। इस 8 सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद महिलाएं कर्ज प्राप्त करने की पात्र बन जाती हैं। इस लघु वित्त पोषण योजना या माइक्रो फाइनेंस स्कीम के अंतर्गत 15% के ब्याज पर 1,000 टका से 20,000 टका तक के कर्जे दिए जाते हैं, लेकिन राशि चाहे जितनी हो कर्ज प्राप्त करने तथा कर्ज अदा करने की शर्तों में कोई अंतर नहीं होता। यहाँ ये उल्लेख किया जाना चाहिए कि ये कर्जे 1 सप्ताह के भीतर ही मिल जाते हैं। इसके लिए सदस्यों को अपने जिले के क्षेत्रीय कार्यालय जाना होता है। पहले कर्ज की धनराशि 5,000 टका से अधिक नहीं होती, जबकि दूसरे की अधिकतम 8,000 टका और तीसरा कर्ज ज्यादा से ज्यादा 10,000 टका का होता है। पूरा कर्ज या 3,000 टका अदा कर देने के बाद उनको 20,000 टका तक का कर्ज दिया जा सकता है। ग्राम संगठन के माध्यम से ब्रैक द्वारा मिले कर्ज ने गांव के अनेक परिवारों के जीवन में भारी अंतर ला दिया है। আগে থেকে উন্নতি হবে তার কারণে আমরা আগে মনে করেন যদি আমাদের টাকার সমস্যা হতো আমরা একজন শিক্ষা দ্বারা আর্থিক উন্নতি ভি সম্ভব হুই হে পহলে হমে কর্জ লেনে পর জ্যাদা সুদ দেনা পড়তা থা আব হমে সংস্থা সে কম সুদ পর কর্জ লে সকতে হ্যায় ইসে ওয়াপস করনা ভি আসান হ্যায় আবি মেরে পাস 4,700 টাকা হ্যায় জব মে 10,000 সে 12,000 তক টাকা জমা কর লুঙ্গি তব কর্জ লেনে কি জরুরত নাহি হোগি मैं इस पैसे से कौन सा व्यवसाय करूंगी यह अभी नहीं सोचा है। लोगों की माली हालत सुधारने के काम को साक्षरता के प्रसार के साथ जोड़ा गया। इसने गांव में गरीबों के बीच साक्षरता फैलाने में निर्णायक भूमिका अदा की है। कर्ज की अदायगी साप्ताहिक किश्तों में पहले सप्ताह से ही शुरू हो जाती है। प्रत्येक 1,000 टका के कर्ज पर इनको हर सप्ताह 25% वापस करना होता है। इससे कर्ज लेने वालों में ये भावना भरी रहती है कि ये पैसा वापस करना है तथा इसका लाभदायी ढंग से उपयोग भी करना है। ये कर्ज 3 प्रकार के हैं। 1, कार्यक्रम संबंधी कर्ज। 2, आम कर्ज। और 3, मकान बनाने के लिए कर्ज। आम कर्ज कार्यक्रम संबंधी कर्जों से पहले दिए जाते हैं
अपने रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, जैसे रिक्शा खरीदने, धान कूटने या छोटे मोटे कामों के लिए। इनकी धनराशि थोड़ी ही होती है। कार्यक्रम संबंधी कर्जे उन कार्यक्रमों के लिए दिए जाते हैं जिनको ब्रैक चलाता है। मकान बनाने के लिए दिए गए कर्जों की अदायगी तत्काल संभव नहीं होती। ग्राम संगठन की सदस्य महिलाओं में बचत की आदत डाली जाती है। इस जमा किए हुए पैसे पर उनको 6% की दर से ब्याज दिया जाता है। बचत को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से पाठ्यक्रम की पुस्तकों में बचत पर एक विशेष पाठ है, जिसमें नव साक्षरों को सिखाया जाता है कि बचत करना अच्छा है। इन छोटी छोटी बचतों को जमा करने के लिए सारे देश में ब्रैक के 1,700,000 केंद्र काम कर रहे हैं। गांव-गांव जाकर ब्रैक के कार्यकर्ता सदस्यों की बचत को एकत्र करते हैं। इन छोटी छोटी बचतों की पल पर ब्रैक ने अपना एक बैंक स्थापित कर लिया है। 18 से 54 आयु की सभी सदस्य महिलाओं का जीवन बीमा किया जाता है। बीमे के लिए प्रतिवर्ष प्रति महिला को सिर्फ 10% देना पड़ता है। यदि किसी महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 5,000 तथा उसकी बचत का पैसा ब्याज सहित मिलता है। साथ ही उस पर बकाया कर्ज भी माफ कर दिया जाता है। एक गैर सरकारी संगठन के इन प्रयासों और इनके उत्साहजनक परिणामों को देखकर हमें भी ये एहसास हुआ कि गांव के गरीबों की दशा में सुधार लाने के लिए ऐसे समग्र कार्यक्रम जरूरी हैं। हमें इस बात का भी एहसास था कि ग्रामीण विकास के प्रति ब्रैक की समझ समग्रवादी है। अतः इनके कार्यक्रम गांव के गरीबों को साक्षर बनाने और उनके लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं। समग्र ग्रामीण विकास के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ब्रैक प्रारंभ से ही स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम चला रहा है। एसेंशियल हेल्थ केयर कार्यक्रम गांव के घर घर तक बीमारियों से बचाव तथा इलाज दोनों की सुविधाएं उपलब्ध कराता है। इसके अंतर्गत 1 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के साथ टीबी तथा एड्स जैसी अनेक बीमारियों के इलाज की व्यवस्था की जाती है। गांव के स्तर पर स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता या शौबिका लोगों को परिवार के स्वास्थ्य की देखभाल करने तथा परिवार नियोजन के बारे में जागरूक बनाने का काम करती है। भूमिहीन मजदूरों के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए ब्रैक ने अपना अनौपचारिक प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1985 में शुरू किया था। ये ब्रैक के सामाजिक विकास कार्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका लक्ष्य गरीब परिवारों के बच्चों को, खास तौर पर लड़कियों को सशक्त बनाना है। ब्रैक इस तरह के 34,000 स्कूल चला रहा है। इनमें कुल मिलाकर 1,00,000 से ज्यादा बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इन स्कूलों में 8 से 10 साल के बच्चों को 5 साल का कोर्स 4 साल में पूरा कराया जाता है। इनमें वे बच्चे आते हैं जो या तो कभी स्कूल नहीं गए या फिर जिनकी पढ़ाई बीच में छूट गई। कक्षाओं में छात्रों की संख्या 33 से अधिक नहीं रखी जाती। इससे शिक्षक और छात्रों के बीच दोस्ताना संबंध बनाने में मदद मिलती है। पढ़ने के लिए किसे भेजना है, इसका फैसला माता पिता पर नहीं छोड़ा जाता। वे लड़कियों के बजाय लड़कों को स्कूल भेजना पसंद कर सकते हैं, इसलिए इन स्कूलों के 70% छात्र लड़कियां हैं। यहां छात्रों को यू आकार में बिठाने की व्यवस्था है। इससे एक अधिक अनौपचारिक और भागीदारी पूर्ण वातावरण बनाने में मदद मिलती है। पाठ्यक्रम को तैयार इस तरह से किया गया है कि कक्षाओं में बच्चों की भागीदारी अधिक हो। शिक्षक सीखने की सामूहिक भावना को बढ़ावा देते हैं। विषयों को समझने में आसानी हो, इसलिए अनेक पाठों को दिलचस्प बनाया गया है। स्कूल की चौथी और पांचवी कक्षाओं में बंगला, गणित,
और सामाजिक शास्त्र के साथ साथ स्वास्थ्य शिक्षा तथा विज्ञान भी पढ़ाया जाता है। अंग्रेजी की शिक्षा दूसरे दर्जे से शुरू कर दी जाती है, लेकिन ये जरूरी है कि छात्र और उनके माता पिता अपनी शिक्षा के इन प्रयासों को गंभीरता से लें। इसलिए उनसे प्रति माह 5% का योगदान लिया जाता है। इस स्कूल में बच्चों से कॉपी किताबों और दूसरे सामान का कोई पैसा नहीं लिया जाता। ब्रैक के अधिकांश स्कूलों की तरह ये भी गांव की एक कमरे वाली कच्ची मिट्टी की झोपड़ी में स्थित है। इस इमारत के लिए ब्रैक 200% प्रतिमाह पैसा देता है। ब्रैक के तमाम स्कूलों की तरह यहाँ भी शिक्षा के काम में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए 97% शिक्षिका गांव की ही रहने वाली महिलाएं हैं। प्रत्येक शिक्षिका को कम से कम 9वें दर्जे की शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। सभी शिक्षिकाओं को प्रारंभ में 15 दिन का सघन प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा प्रत्येक शिक्षा वर्ष शुरू होने से पहले भी उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक महीने 1 दिन के लिए उनको अध्यापन संबंधी नई जानकारी दी जाती है। शिक्षा का संपूर्ण चक्र एक ही शिक्षक पूरा करती है। ब्रैक के तमाम स्कूलों की तरह यहाँ भी बच्चों को पढ़ने के लिए ही नहीं बल्कि खेलने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। जो लोग अपनी शिक्षा को जारी रखना चाहते हैं, उनके लिए ब्रैक ने 1995 में सतत शिक्षा कार्यक्रम भी शुरू किया। इसके अंतर्गत गांव और शहरों में लोगों के बीच पढ़ने की आदत पैदा करने के लिए पुस्तकालय और वाचनालय स्थापित किए गए। एक ऐसा ही छोटा सा पुस्तकालय इस गांव में भी है। ब्रैक शोषित महिलाओं के उत्थान के लिए भी काम कर रहा है। बलात्कार एवं तेजाब से जली महिलाओं की मदद भी ये संगठन करता है। देश भर में फैले संगठनों की सहायता से ब्रैक तेजाब से जली महिलाओं का पता लगाता है, उनको सहायता पहुंचाता है और आगे के इलाज के लिए आयशा आबिद फाउंडेशन की देखरेख में भेज देता है। देश के अन्य गांवों की तरह इस गांव में भी ब्रैक ने महिलाओं के लिए रोजगार के दूसरे रास्ते खोलने के उपाय किए हैं। इस प्रशिक्षण तथा आय के केंद्र का संचालन ब्रैक की एक सहयोगी संस्था आयशा आबिद फाउंडेशन करती है। इन केंद्रों में जो सामान तैयार किया जाता है उसकी बिक्री के लिए ब्रैक ने देश भर में 7 शोरूम खोले हैं। इनका नाम है आरोंग। ढाका के मोहाखाली इलाके में ब्रैक का ये गगनचुंबी मुख्यालय दुनिया के किसी भी बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान के लिए गर्व का विषय हो सकता है। उच्च व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करके इसके अधिकारी और कर्मचारी प्रबंधन की नवीनतम तकनीकों और सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं। बहुआयामी कार्यक्रमों के साथ अपने सार्थक अस्तित्व के 30 वर्षों के दौरान ब्रैक ने एक लंबा सफर तय किया। इसकी उपलब्धियों के गवाह हैं वे करोड़ों लोग जिनकी जिंदगी में आमूल परिवर्तन आया है। भूख, गरीबी तथा हर प्रकार के शोषण से मुक्त एक प्रबुद्ध, स्वस्थ एवं जनतांत्रिक बांग्लादेश का निर्माण करने में संलग्न ब्रैक एक मिसाल है किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संगठन के लिए।
क्यों ना ब्रैक के अनुभव को हम भी अपनाएं। Thank you.